गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? क्वेश्चन टैग। जिसका नाम क्या है बच्चों? क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। वो एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड जो चीज की जरूरत होती है वो होती है प्रोनाउन। तो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन को मिलाकर हम क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? टैग बना सकते हैं। समझ में आया? टैग बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन। जैसे कि मैं आपको सिखाती हूं, मैंने एक हेल्पिंग वर्ब ली इज, और इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? शी, इज ही। तो ये आपका एक क्वेश्चन टैग बन गया, इज ही। और जो क्वेश्चन टैग होते हैं उसको हम किसी भी स्टेटमेंट के साथ जोड़ते हैं। मतलब स्टेटमेंट के साथ को साथ क्वेश्चन टैग को जोड़ा जाता है। किसके साथ? कॉमा के साथ। जब हम किसी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? कॉमा के साथ जोड़ते हैं। और जब हम किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन को पूछने के लिए उसमें टैग लगा देते हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो जाता है। क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हम किसी भी स्टेटमेंट को पूछने के किसी भी स्टेटमेंट पर करते हैं, क्वेश्चन पर नहीं करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, ठीक है? सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें स्टेटमेंट पर यूज किया जाता है, क्वेश्चन पर यूज नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन टैग जो होता है वो स्टेटमेंट पर यूज किया जाता है और क्वेश्चन पर यूज नहीं किया जाता। क्योंकि हम जो स्टेटमेंट होता है उसमें क्वेश्चन टैग लगाकर उसे क्वेश्चन बना देते हैं। क्या करते हैं? जो स्टेटमेंट होता है उसमें क्वेश्चन टैग लगाकर उसे क्या बना देते हैं? एक क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे कि मैं आपको देखो दिखाती हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, मतलब वह नहीं खेल रहा है। तो इसमें हम कॉमा लगाएंगे। क्वेश्चन टैग लगाने से पहले हमें क्या लगाना होता है बच्चों? कॉमा। जब हम किसी भी स्टेटमेंट में कॉमा लगाएंगे उसके बाद उसमें क्वेश्चन टैग जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन टैग जोड़ने से पहले हमें क्या लगाना होगा सेंटेंस में? कॉमा लगाना होगा। जब हम हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन को जोड़ देंगे तो हमारा टैग बन जाएगा, ठीक है? और उसको जब हम किसी स्टेटमेंट में लगा देंगे तो वह क्वेश्चन टैग बन जाएगा। और क्वेश्चन टैग को किसी भी स्टेटमेंट में लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कॉमा की जरूरत होती है। तो जो कॉमा होता है वो क्वेश्चन टैग को जोड़ने में मदद करता है, ठीक है? तो जब हम किसी सेंटेंस में कॉमा लगा देंगे उसके बाद हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने देखा आपने कि ही इज नॉट प्लेइंग, अब हम इसमें क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन टैग कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर कौन सी यूज हुई है? इज, तो आप वही लगाएंगे, और प्रोनाउन ही। तो ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया, ठीक है? आपने स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग जोड़ दिया। तो कैसे हुआ? ही इज नॉट प्लेइंग, इज ही। तो बच्चों, आपको क्या समझ आया कि हम क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट पर लगाते हैं, और क्वेश्चन टैग लगाने से पहले हमको क्या लगाना होता है? कॉमा लगाना होता है, उसके बाद हमको क्वेश्चन टैग लगाना होता है, तो वह क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि अब हम क्या पूछेंगे, वह खेल रही है ना, तो हमने क्या पूछा? वह खेल रही है ना, तो आप जवाब दोगे ना। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ, वह खेल रही है, तो क्या आप जवाब दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास आंसर नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, स्टेटमेंट दे रही हूँ, ठीक है? वह खेल रही है, अब मैं पूछ रही हूँ वह खेल रही है ना, तो आप क्या बोलोगे? हाँ वह खेल रही है। तो आप क्या करो, बता रहे हो। एक चीज और होती है बच्चों, देखो जैसे मैंने यहां पर ये क्या बन गया? क्वेश्चन टैग बन गया, ठीक है? और ये क्या बन गया? ये क्वेश्चन टैग बन गया। ये आपका
पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। अब मैं यहां पर सेंटेंस लिख रही हूं, वो आप देखिए। ही इज माई ब्रदर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिखती हूं, ही एक और स्टेटमेंट लिखती हूं, ही इज नॉट माई ब्रदर। अब यहां पर मैंने दो स्टेटमेंट लिख दिए हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और दो मैंने आपको सेंटेंस लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने दो क्वेश्चन टैग लिख दिए हैं और दो स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो बच्चों क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसके साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगता है, और जो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगता है। क्या होता है बच्चों, जो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसके साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगता है, और जो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगता है। आपको इतना पता चला। और जब भी हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो उसको हम स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, ठीक है। अब एक और जरूरी बात जान लीजिए, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं मैंने इजंट लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये है इज नॉट, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे अब होता डिड नॉट, तो उसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, डिड एन अपोस्ट्रॉफी टी डिडंट, जैसे होता डज नॉट, इसको हम कैसे लिखते डी ओ ई एस डज एन अपोस्ट्रॉफी टी डजंट। तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें हम नेगेटिव में कैसे लिखते हैं बताइए, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये फुल फॉर्म है इसकी, डिड नॉट डज नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है डिडंट डजंट। अब डू की देखिए, अब डू नॉट, और जब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो डू फिर एन फिर टी, तो क्या बन गया डोंट। तो डिडंट डजंट डोंट इसी तरीके से बनाते हैं। देखिए एक और देखते हैं, आर नॉट, इसकी कैसे बनेगी, आर फिर एन फिर एपोस्ट्राफी टी, क्या बन गया आरंट। तो आपको कैसे समझ में आया, डिड नॉट को क्या बोले क्या बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म में डिडंट, डज नॉट को क्या बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म में डजंट, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बनाएंगे डोंट, आर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बनाएंगे आरंट, और इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बनाएंगे बच्चों इजंट, इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बनाएंगे इजंट। तो ये बताइए आपको शॉर्ट फॉर्म बनाना समझ में आ गया। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि जो क्वेश्चन टैग होता है वो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन को मिलाकर बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन टैग जो होता है वो स्टेटमेंट के साथ लगता है, क्वेश्चन के साथ नहीं लगता है। एक बार फिर से बोलिए, जो स्टेटमेंट होता है, जो क्वेश्चन टैग होता है वो स्टेटमेंट के साथ लगता है, क्वेश्चन के साथ नहीं लगता है। अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन टैग लगाते हैं। जब हम किसी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग को जोड़ते हैं तो किसके साथ जोड़ते हैं, कॉमा के साथ जोड़ते हैं। अब उसके बाद जो क्या सीखा आपने, उसके बाद आपने सीखा कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसके लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज किया जाता है, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसके लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज किया जाता है। क्या सीखा बच्चों आपने, कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसके लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है, और जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है उसके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। और एक और चीज, जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो उसको हम स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों,
स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हमेशा क्वेश्चन टैग का यूज हमेशा स्टेटमेंट के साथ ही करते हैं, क्वेश्चन के साथ कभी नहीं करते। और जब हम स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग लगा देते हैं तो वो खुद क्वेश्चन बन जाता है, मतलब पूछने के लिए तैयार हो जाता है। आपको क्या समझ आया कि जब हम किसी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो वह क्या बन जाता है, खुद एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या स्टेटमेंट जो है वो खुद में क्या बन जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए बच्चों उसमें क्या लगता है बताइए, क्वेश्चन मार्क लगता है। चलिए एक और सेंटेंस बना के देखते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट। तो बच्चों देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, अब हमें क्या करना है, आप जानते हो ये क्या है, ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है बताइए। मैं बाजार जा रहा हूं, ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको हम बता रहे हैं, ठीक है, आपसे पूछ नहीं रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट है। अब हम इसका क्वेश्चन टैग, इसको क्वेश्चन टैग लगाकर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार करेंगे तो कैसे। पहले आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ये तो हमने वैसा ही का वैसा लिख दिया। उसके बाद अब हम इसको क्वेश्चन टैग में लगाएंगे, तो क्वेश्चन टैग कैसे लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, कॉमा। कोई भी बच्चा कॉमा लगाना नहीं भूलेगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों बताइए, अब हम क्वेश्चन टैग कैसे बनता है बताइए, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन। तो हमारी यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। तो बच्चों जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें कभी भी एम का यूज नहीं होता, एम के स्थान पर आर का यूज होता है। किसका यूज होता है एम के प्लेस पर, आर का यूज होता है। तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद क्या लगेगा बताइए, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग कैसा लगने वाला है, नेगेटिव, तो आरंट। उसके बाद आपकी जो प्रोनाउन है वो कौन सी है, आई, तो क्या हो गया, आरंट आई। उसके बाद क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। आई एम गोइंग टू मार्केट आरंट आई, एक बार फिर से बोलिए, आई एम गोइंग टू मार्केट आरंट आई, मतलब मैं बाजार जा रहा हूं ना, क्या हुआ बच्चों, मैं बाजार जा रहा हूं ना, आई एम गोइंग टू मार्केट आरंट आई। चलिए एक और बना के देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर आर एग्स इन द बर्ड्स नेस्ट, मतलब ये क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे, क्वेश्चन टैग लगाकर कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो पहले तो इसको लिख दीजिए आप, देयर आर एग्स इन द बर्ड नेस्ट, ठीक है। अब आपके पास ये है जगह, तो आप क्या करेंगे, आपका सेंटेंस तो लिखा हुआ है, अब आपको सबसे पहले क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपका सेंटेंस है, जो आपका स्टेटमेंट है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो आपको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना होगा, और अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना होगा। तो आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो आपको कैसा स्टेटमेंट लगाना है, नेगेटिव। तो देखिए यहां पर आपकी कॉमा लगाया, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। अब आपको नेगेटिव लगाना है तो आरंट, आरंट, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, देयर, आरंट देयर, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं, अब हम इसी में जोड़ देते हैं क्योंकि हम तो सीख गए हैं ना। तो यू रीड द बुक, पहले तो बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, कौन सा टेंस है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है। और कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो कैसा लगेगा, नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लगाया, कॉमा, उसके बाद आपको पता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, तो क्या लगाएंगे बताइए, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है ना, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी बताइए, डू। तो क्या यूज करेंगे हम, डोंट,
फिर डोंट यू, डोंट यू क्या यूज होगा, डोंट यू। चलिए अगला देखिए, तो अगला है वी प्ले फुटबॉल, तो क्या यूज करेंगे बताइए हमें, बताइए ये आपका कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव तो कैसा बनेगा, नेगेटिव। सबसे पहले कॉमा लगाइए, फिर आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, डोंट, तो उसके बाद बी, फिर क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो है वो क्या है, शी इज नॉट बीपिंग, मतलब वह क्या है, वह रो, वह नहीं रो रही है, तो इसमें हमारा जो स्टेटमेंट है वो कैसा है बच्चों, नेगेटिव है, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो कैसा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। तो सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रोनाउन, फिर क्वेश्चन मार्क, बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आपको क्वेश्चन टैग बनाना आया, ओके। तो बच्चों आज हमने इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग बनाना सीखा, अब ये बताइए किस किस को क्वेश्चन टैग बनाना आया, आपको क्वेश्चन टैग बनाना समझ आया कि हम क्वेश्चन टैग का यूज कैसे करते हैं। बताइए क्वेश्चन टैग का यूज किस में किया जाता है, स्टेटमेंट के साथ किया जाता है। इसको बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन की। किसी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग लगाएं, क्वेश्चन टैग को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉमा का। पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ कैसा क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, नेगेटिव, और नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हम कैसा क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, पॉजिटिव। तो बच्चों आपको क्वेश्चन टैग समझ आया कि हम कैसे बनाते हैं, ओके। तो बच्चों आपको क्वेश्चन टैग बनाना आया, ओके। चलिए गुड बाय।